नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कथित जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने एक पत्रकार समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन 3 लोगों ने फेसबुक पोस्ट लिखकर चंपत राय की छवि को खराब करने की कोशिश की है। दरअसल बिजनौर के नागीना के रहने वाले पत्रकार विनीत नारायण ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी के नाम एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चंपत राय ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इंडोनेशिया में रहने वाली एक महिला की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी इस महिला की मदद करने को तैयार नहीं है। मामले में चंपत राय के भाई संजय बंसल ने शनिवार को नगीना थाने में पत्रकार विनीत नारायण, अलका लाहौटी और रजनीश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 3 के खिलाफ 15 बड़ी और IT धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं बिजनौर SP ने चंपत राय और उनके रिश्तेदारों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। जनपद बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले संजय बंसल द्वारा नगीना पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विनीत, अलका एवं रजनीश के खिलाफ फेसबुक के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो करोड़ों धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने वाला, आहत करने वाला, पीड़ित करने वाला, फर्जी दस्तावेज, कूट रचना, हाउस ट्रेसपास, गाली गलौज आदि से संबंधित है। स्थानीय पुलिस द्वारा गुण दोष के आधार पर विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। संजय बंसल के भाई श्री चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ नेता हैं, श्री राम जन्मभूमि में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। इनके खिलाफ जो आरोप अभियुक्तों द्वारा लगाया गया है जनपद बिजनौर एवं नगीना में, सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं। एवं इनके परिजन पुरजन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं, प्रथम दृष्टया सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार हैं। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है, विवेचना गेस्टेड अफसर के परीक्षण में की जा रही है। FIR के मुताबिक अपनी शिकायत में संजय बंसल ने कहा कि उन्होंने विनीत नारायण को फोन किया था, लेकिन दूसरी तरफ खुद को रजनीश कहने वाले एक व्यक्ति ने फोन उठाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। वो अयोध्या में एक कथित जमीन सौदे को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।